हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन और मेरे साथ है तन्वी। दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ पार्ट वन की। तन्वी तुमने केजीएफ देखी थी? हाँ बिल्कुल देखी थी, यश की मूवी है, कन्नड़ के सुपरस्टार है यश, और ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी। यास्मीन इस फिल्म में हर वो एक चीज थी जो इस फिल्म को एकदम मस्त, और मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैंने जब ये फिल्म देखी थी पहली बार, तो पहले से मुझे कोई क्रेज नहीं था इस फिल्म को देखने का। मैंने इसके पोस्टर देखे थे, टीजर देखा था, ट्रेलर देखा था, लेकिन जब मैंने इसका पूरी मूवी देखी तो सीरियसली मैं अमेज्ड रह गई कि ऐसी फिल्में भी बनती हैं। काफ़ी अच्छी मुझे फिल्म लगी। वही यास्मीन, इसका मैं बता दूँ पोस्टर भी आ गया है, और इसका जो चैप्टर 2 आ गया है उसका पोस्टर अभी अभी पिछले कल ही रिवील हुआ है, जो कि काफी अच्छा है। हाँ तन्वी, मैंने भी देखा पोस्टर, मुझे काफी अच्छा लगा है इसका। लेकिन एक चीज की क्यूरियोसिटी मुझे इस चीज की है इसमें कि उसमें सिर्फ हाथ दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हाथ किसका है ये मुझे जानने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। एक्चुअली गाइस, उसमें सिर्फ पोस्टर में हमें हाथ ही नजर आ रहा है, और वो शेर वाली अंगूठी देख के तो मजा आ गया, ऐसा लग रहा है भाई ये है कौन। अब जैसे देखा जाए यास्मीन, उसके पोस्टर के ऊपर ही लिखा हुआ है 29 जुलाई और अधीरा। तो अधीरा का जो ये करेक्टर है वो एक विलन का करेक्टर है। अब समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर है कौन। अरे तन्वी, तुमने 29 जुलाई ना बताया, 29 जुलाई को तो एक्चुअली संजय दत्त का बर्थडे है। एक्चुअली ट्विटर पे भी लोग, हम बता दें ऑडियंस को कि ट्विटर पे भी लोग यही कह रहे हैं कि ये संजय दत्त ही अधीरा का प्ले जो रोल है वो प्ले करने वाले हैं। और आप देख, अगर हम आपको बताएं ऑडियंस को, तो इसको ये कहा जा रहा है कि संजय दत्त है ये, और 29 जुलाई को उनका बर्थडे होता है, तो इस मौके पर उनका जो जो लुक है वो रिवील किया जाएगा, और अधीरा इसमें संजय दत्त ही है। इवन यास्मीन, संजय दत्त के साथ साथ इसमें रवीना टंडन भी बहुत अच्छा एक रोल निभाने वाली है ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, मैंने ट्विटर पर भी देखा है ऐसे कुछ, दोस्तों को ट्विटर पे दिखा दो ट्वीट कुछ। हाँ बिल्कुल, अब जैसे देखा जाए तो बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं, ही इज बैक फ्रॉम द डेड, अनवीलिंग अधीरा फ्रॉम केजीएफ चैप्टर 2 ऑन जुलाई 29th एट 10 AM, स्टे ट्यून्ड। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केजीएफ के चैप्टर 2 को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वाओ इतनी जल्दी आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, और इवन उसमें वो रिंग पहन रखी है, इसमें शेर का फेस बना हुआ है, काफी एक्साइटिंग लग रहा है ये देख कर ही। बिल्कुल बिल्कुल, अब अगर यास्मीन बात करें तो ये जो फिल्म है ये पिछले साल आई थी, और ये फिल्म क्लैश हुई थी शाहरुख खान की जीरो। हाँ अब तुम्हें याद ही होगा कितना बस था उसका, जीरो पिट गई थी इनफैक्ट उसके सामने। बिल्कुल, अब जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 4 दिन में ही इस फिल्म ने 76 करोड़ कमा लिए थे, और ये हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई थी कन्नड़ इंडस्ट्री की। तो इसी चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं यास्मीन की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। Exactly. शाहरुख खान की फिल्म जीरो को पछाड़ दिया था, मेन बात तो यही है। हाँ, सबको एक्साइटमेंट रहती है इस चीज की कि बॉलीवुड के किंग है शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, लेकिन जीरो से सबको काफी उम्मीदें थी। पर यश की फिल्म ने धमाका कर दिया था बॉक्स ऑफिस पर, 80 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी थी यास्मीन, और इस फिल्म ने चैप्टर 1 में इतना कुछ था कि लोग सेकंड देखने के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इसमें कहीं ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, काफी सरप्राइजेस थे, तो लोगों को अब ये है कि चैप्टर 2 में क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपने भी देखा कि महज एक पोस्टर के लिए लोगों की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि अब देखते हैं 29th को ये संजय दत्त ही है अधीरा या फिर कोई और है। बिल्कुल, वेल आपको ये पोस्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी। फिल्म आई थिंक आई हैव टोल्ड इन मेनी इंस्टेंसेस, इट्स कम आउट वेल, इट्स ऑल अबाउट गोल्ड माइनिंग, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्शन, देयर इज लॉट ऑफ सेंटिमेंट, एंड इट्स अ वेरी यूनिक स्टोरी, दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ। You would have seen the trailer, so you guys would have got a brief idea about it. Moni, इस फिल्म में गाना शूट किया है। कर रही हूँ। ओके, कर रहे हैं। जी। तो ये गाना क्या है और आपका कॉस्ट्यूम कुछ ऐसा क्लब वगैरह जैसा लग रहा है उसके बारे में? I'm sure it's a situational song, and we are recreating गली गली में फिरता है, which happens to me, mine and most people's most favorite, one of the most favorite songs. And Ganesh Master Ji is choreographing it, and he is also, it's his movie, so it couldn't have been better than that.
for me, and the steps are really nice. The song is really groovy. So I'm hoping and praying and keeping my fingers crossed that it does really well. That's what. इस मूवी के कुछ शॉर्ट्स वगैरह या ट्रेलर वगैरह बहुत अच्छे लगे मुझे. दोनों ट्रेलर देखे मैंने, और एक तो इतना लार्जर देन लाइफ लग रहा है, एंड एट द सेम टाइम इट सीम्स दैट द स्टोरी इज देर इज अ सर्टेन मिस्ट्री टू इट विच पीपल विल अंडरस्टैंड आई एम श्योर व्हेन दे गो टू द थिएटर्स एंड वॉच द मूवी. एंड इट लुक्स ब्रिलियंट एंड आई विश हिम एंड द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट. माने आपने गोल्ड फिल्म दी थी और ये जी और इस वक्त कपड़े भी आपने गोल्ड दिए थे जी. अब मैं क्या बताऊं कि शायद गोल्ड के साथ कुछ तो रिलेशनशिप है मेरा. यश आपका क्या कहना है, उन्होंने जो फिल्म की थी बॉलीवुड डेब्यू था वो गोल्ड? आई एम श्योर ही हैजंट सीन इट, सो ही इज जस्ट गोइंग टू बी एम्बैरस्ड नाउ. नो नो सी आई थिंक इट्स हर डे, शी इज डूइंग ऑल द हार्ड वर्क, आई एम जस्ट गोइंग देयर यू नो एंड एंजॉयिंग द व्यू एंड रनिंग अराउंड. आप लोगों का साथ में कोई डांस या अच्छा बाबा? हां अभी मास्टर कुछ प्लान किए, सो आई हैव टू जस्ट सी बिकॉज़ वी हैव जस्ट स्टार्टेड, सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मास्टर वांट्स टू शूट इट, बट आई थिंक शी इज डूइंग अ फैबुलस जॉब. आई जस्ट सॉ फ्यू क्लिप्स and she is looking stunning, so that's very nice. Back to back you are doing a film also now, Gold ki, abhi ye film mein bhi aap dance kar rahe hai, kis tarah ka aap dekh rahe hai, TV se lagatar popularity aapko? देखिए मुझे ना काम करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक्टिंग करनी बहुत अच्छी लगती है, काम काम होता है. एंड आई एम अ वेरी प्राउड टीवी एक्टर, इट इज़ गिविंग मी एवरीथिंग दैट आई हैव टुडे. सो फिल्म्स आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट बिकॉज इट्स अ न्यू चैप्टर ऑफ माय लाइफ एंड आई वांट टू गिव इट माय ऑल एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अरे द मैन ऑफ द आवर इज हियर, मास्टर इज हियर. सॉरी यू सेइंग अरे हम इतना प्रमोशन मेरा करियर में नहीं किया, जिंदगी में नहीं किया जितना वो रहा, सो वी आर नॉट यूज्ड टू सच उतना प्रमोशन करके उतना, वी डोंट डू सच इन सच स्केल, बट आई एम एन्जॉइंग इट. सो ऑल ऑफ यू आर रियली सपोर्टिंग अस एंड आई कैन सी इन ऑल द चैनल्स यू बीन प्रमोटिंग अवर फिल्म, सो आई हैव टू बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. तो मज़ा आ रहा है. कल प्रभास के साथ में आपको देखा गया था, तो क्या प्रभास भी इस फिल्म में हमें कहीं गाने या तो नो दिखेंगे? बट बस ऐसे ही डिनर पे गए थे यार, बस और कुछ नहीं. आपको पर्सनली बॉलीवुड से किसी का कोई कॉल या ऐसा कुछ अभी तक? नहीं 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 आया. ओके सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का डांस होने वाला है, ये त्रिदेव का पुराना गाना है गली गली में, और बहुत ही कमाल का रिमिक्स किया तनिष ने. और ये फिल्म का मैंने जब ट्रेलर दिखाया था मुझे इन्होंने, तो मैं बहुत ही एक्साइट था. ये फर्स्ट टाइम वो इस तरह की डिफरेंट फिल्म आ रही है, और यश उसमें बहुत ही कमाल का दिख रहा था, और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था यार अगेन कोई यंगरी मैन इज कमिंग बॉलीवुड. तो बहुत ही कमाल गाना जो है ये डिफरेंट है, और फर्स्ट टाइम मुझे कहा कि मौनी कर रही है गाना, तो मैं बहुत एक्साइट था कि मुझे इसका गाना करना था. आप क्या आप ही इज सेइंग द ऑपोजिट, आई वाज डाइंग टू वर्क विद हिम एंड इट इज लाइक वन ऑफ माय बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन माय लाइफ दैट आई हैव गॉटन, सो प्लीज डोंट से दैट बट आई एम हम्बल. क्योंकि गोल्ड में हम लोगों ने गाना किया था, वो फिल्म में रहा नहीं, तो मुझे ऐसा था कि गाना इनके साथ में करूँ. बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बहुत मेहनत की, रेसल की, और यकीन माने कि ये फर्स्ट डे इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत बीमार थी, बुखार में था, इन्होंने फिर भी बहुत अच्छा किया, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट गाना होगा ये इस फिल्म का, कि मेरे आफ्टर चिकनी चमली शूट दिस सॉन्ग. ज़्यादा मुश्किल है ना जाना यश को? यश इसमें डांस नहीं है, मैं बस चल पैदल चल, आई विल बी वॉकिंग. I told you, you know, she's doing all the hard work. Sir, एक question मेरे side से. Sir, आपने already, you are a choreographer, okay? And आप पहले already काला चश्मा पे आप choreography कर चुके हैं. काला चश्मा मेरा नहीं था. चिकनी चमेली. चिकनी चमेली में था. Sir, आप इसका इस experience के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि मौनी के साथ मुझे first time हम लोग गाना कर रहे हैं, और बहुत ही hard work किया है, और एक्सेल फिल्म में प्रमोट कर रही है, इसको प्रेजेंट कर रही है, बहुत बड़ी बात है. क्योंकि मुझे ऐसा फील है जैसे बाहुबली एक वक्त पे आई थी, और वैसे ये फिल्म KGF को प्रमोट कर रहा है बहुत वैसे, और जिस तरह से मैंने फिल्म को शूट करते हुए देखा है, एंड इवन आई एम वर्किंग विथ द DOP भुवन सेम फिल्म. सो मतलब इतना उन लोग में ये है फिल्म को लेके और गाने को लेके, तो बहुत ही एक्साइट हूँ ये फिल्म कब आएगी, कब हमारा गाना आएगा, और इस तरह की फिल्म चलेगी.
मुझे बहुत प्रेशर था और इनको क्या मैं इनको भी सबको कह रहा था कि उस वक्त मैं ग्रुप में भाई ये गाना मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ तो मुझे खुद को बहुत टेंशन है। तो हम लोगों ने बहुत फोकस किया रिहर्सल पे, कॉस्ट्यूम पे, डिज़ाइन पे बहुत मेहनत की है। इवन मोने ने बहुत मेहनत की और प्रोडक्शन ने बहुत मेहनत की, जो चाहिए वो दिया है।